हेलो दोस्तों, अगर मैं आपसे सवाल करूं कि आप जिस घर में रहते हैं वो रियल में एग्जिस्ट करता है कि नहीं, मेजॉरिटी में आप लोग कहेंगे कि ऑब्वियस ही बात है, हम जिस घर में रहते हैं वो रियल में एग्जिस्ट करता होगा। लेकिन क्वांटम फिजिक्स ऐसा नहीं कहता, क्योंकि क्वांटम फिजिक्स के अकॉर्डिंग हर एक चीज़ वेव नेचर शो करता है, यानी कि आपका जो घर है वो सॉलिड पार्टिकल वो अभी सर्टेन फ्रिक्वेंसी पे ऑक्सीलेट कर रहा है, वो भी वेव नेचर में, आपको दिख नहीं रहा होगा। आप जब तक कि किसी चीज़ को ऑब्जर्व नहीं करते हैं तब तक कि वो चीज़ रियल में एग्जिस्ट ही नहीं करते। दुनिया में जितने भी सॉलिड मटेरियल्स हैं वो रियल में ऑक्सीलेट कर रहे हैं एट अ सर्टेन फ्रिक्वेंसी, यानी कि वो वेव नेचर शो कर रहे हैं, वेव नेचर शो कर रहे हैं यानी कि वो रियल में एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। आपने क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ा होगा तो उसमें आपने डुअल नेचर, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, यहाँ तक कि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में सुना ही होगा। ये सब क्वांटम मैकेनिक्स के बेसिक्स हैं। लेकिन मैं आपको अगर आप क्वांटम मैकेनिक्स के डीप में चले जाते हैं तो आपको एक एक्सपेरिमेंट मिलेगा जिसका नाम है द ग्रीन एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट बहुत पहले किया गया था और इस एक्सपेरिमेंट में लोगों को दीवार के आर पार कराया गया था। और इस एक्सपेरिमेंट के बारे में आपको गूगल पे कोई थीसिस पेपर या फिर कोई रिसर्च पेपर आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। मुझे इसके बारे में डार्क वेब में पता चला। मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप डार्क वेब में जाएँ और द ग्रीन एक्सपेरिमेंट देखें, आपको ये काफ़ी कम बुक्स में देखने को मिलेगा, द ग्रीन एक्सपेरिमेंट। और दोस्तों, आपको ये बात जानकर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और ऐसे ही मज़ेदार फैक्ट्स जानने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल यानी टाइम। मालूम है कोई नहीं देखता और सब्सक्राइब नहीं करना चाहता है तो मत करे, मैं किसी को फोर्स नहीं कर रहा हूँ, मुझे बस मज़ा आता है वीडियो बनाने में, इसलिए मैं वीडियो बनाता हूँ। गुड लक।